दुनिया में वे उत्कृष्ट शिकारियों में सबसे सफल शिकारी हैं। मजबूत और उच्च बुद्धि वाले शिकारी पक्षी है ये अद्भुत प्राणी। छोटे जानवरों से लेकर कंगारू और बकरी जैसे बड़े स्तनधारियों तक लगभग किसी भी जानवर का शिकार करने के लिए अनुकूलित है। आज के वीडियो में हम सबसे खतरनाक ऊंची उड़ान वाले शिकार को पेश करेंगे। शिकारी अपने आकार से कई गुना बड़े शिकार पर बेरहमी से हमला करते हैं। आप कहीं ना जाएं। आइए शुरू करते हैं। भयानक विशाल ईगल कंगारू को खा जाता है। गोल्डन बुल्फ वेज टेल ईगल वास्तव में एक शानदार पक्षी है। वे दुनिया के सबसे बड़े शिकार पक्षियों में से एक हैं, जिनके पंखों का फैलाव 7 फीट या 2.1 मीटर से भी अधिक है। उनका वजन लगभग 5 किलोग्राम हो सकता है। वे ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शिकारी पक्षी हैं, जो तस्मानिया और दक्षिणी पापुआ न्यू गिनी में भी पाए जाते हैं। आमतौर पर आसपास के सबसे ऊंचे पेड़ों पर बड़े घोंसले बनाते हैं। इस रैप्टर के युवा पक्षियों के पंख भूरे रंग के होते हैं, जो पक्षियों की उम्र के साथ गहरे होते जाते हैं। वयस्क पक्षी गहरे भूरे से काले रंग के होते हैं और पंखों पर सफेद और कांस्य पंख होते हैं। एक शीर्ष शिकारी के रूप में गर्दन वेज टेल ईगल्स जीवित शिकार का शिकार करते हैं और करीब ही खाते हैं। एक घातक हथियार के रूप में तेज पंजे से सुसज्जित वे विभिन्न प्रकार के शिकार का शिकार करने की क्षमता रखते हैं। खरगोश और बाल इन पक्षी शिकारियों के लिए सबसे आम शिकार हैं। आपको ये सुनकर आश्चर्य हो सकता है कि ये रैप्टर कंगारू जैसे बड़े स्तनधारियों को मार सकते हैं। उनकी दृष्टि अद्भुत होती है। वे 4 मील दूर तक शिकार को देखने में सक्षम हैं। ये मनुष्यों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये रैप्टर कभी कभी जोड़े में या समूह में शिकार करते हैं, विशेष रूप से जब वयस्क कंगारू जैसे बड़े शिकार का शिकार करते हैं तो रोड के शव उनका मुख्य भोजन स्रोत होते हैं। जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि ये वेज टेल ईगल कंगारू के शव का निरीक्षण कर रहा है। कोई नहीं जानता कि इसे तुरंत क्यों नहीं खाया जाता है। हालांकि इसका पंख बहुत मजबूत होते हैं। हवा के माध्यम से 6 किलोग्राम तक शिकार ले जा सकते हैं और 6000 फीट से अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। खरगोश छिपकली और कंगारू वेज टेल ईगल का मुख्य आहार है। इस क्लिप में हम ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े रैप्टर को कंगारुओं का शिकार करते हुए देख सकते हैं। ये तीनों ईगल्स भूखे हैं। वेज टेल ईगल्स एक समूह में काम करते हैं जो एक वयस्क कंगारू को मारने की कोशिश कर रहे हैं। वे इस कंगारू को भीड़ से अलग करने में कामयाब रहे और अपने शार्प तौलिए से कंगारू के सिर पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया। इस वयस्क नर कंगारू का वजन 100 से 150 पाउंड हो सकता है और 6 फीट तक लंबी हो सकते हैं, जबकि मादाओं का वजन 40 से 100 पाउंड तक होता है और वे छोटे होते हैं। ये कंगारू घबराया हुआ दिखता है और नहीं जानता कि क्या हो रहा है। गर्दन और सिर की चोटों से कंगारू को डराने और लड़ने की कोशिश करता है। ये मार्सुपियल्स लड़खड़ाते हुए भटकने लगता है और संतुलन खोने से आखिरकार ईगल के विशाल पंजे का एक सटीक वार कंगारू को स्वादिष्ट लंच में बदल देता है। क्लासिक शिकार तकनीक का उपयोग करते हुए एक बड़े शिकार वाले वेज टेल ईगल का शिकार करते समय ऊंचाई से बार बार हमला करना और वैकल्पिक रूप से हमेशा पहले सिर पर हमला करने के लिए पंजे का उपयोग करना, शिकार को घायल करना और गिरा देना। भोजन की इस मात्रा से संभवतः ईगल्स परिवार को कई दिनों तक खाना मिलेगा। गोल्डन ईगल पक्षियों का असली राजा और निडर रैप्टर होते हैं। ये शानदार प्राणी बाल और मरमोच्चे से छोटे स्तनधारियों से लगभग हर चीज का शिकार करने और मारने की क्षमता रखता है और कभी कभी पहाड़ी बकरियों, हिरण, लोमड़ियों और यहाँ तक कि भेड़ियों जैसे बड़े शिकार पर हमला करता है। वे अविश्वसनीय मजबूत पंजे और अद्वितीय से लैस होते हैं। शिकार तकनीक के कारण वे पहाड़ों से लेकर तराई क्षेत्रों तक विभिन्न प्रकार के आवासों को अपना सकते हैं और खुले शिकार क्षेत्र में सबसे अधिक आरामदायक महसूस करते हैं। ये रैप्टर एक शीर्ष शिकारी है जिसकी उड़ने की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। ये शिकारी पक्षी खरगोशों के अलावा किसी भी जमीनी जानवर का आसानी से पीछा कर सकता है। लोमड़ियां अपने तेज दांतों और चपलता के बावजूद गोल्डन ईगल की पसंदीदा शिकार हैं। लोमड़ी लगभग कभी भी किसी वयस्क के साथ लड़ाई नहीं करती है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ईगल के पंजे लोमड़ी के शरीर में गहराई तक घुस सकते हैं, जिससे उसके महत्वपूर्ण अंगों और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचता है।
जिससे वह जल्दी मर जाती है। ये क्लिप गोल्डन ईगल के अद्भुत शिकार कौशल को दिखाती है, जो अपने तेज पंजे के साथ बकरी के सिर को पकड़ती है। ये रैप्टर उड़ान भरता है, 140 पाउंड का बकरा को शिकार करके हवा में उड़ सकता है। केवल गोल्डन ईगल्स के पास है उच्च बुद्धि के साथ इस तरह की शिकार करने की क्षमता होती है। जब पहाड़ों में बड़े शिकार का शिकार करते हैं तो ये रैप्टर आसानी से अपने शिकार को ऊंचाई से फेंक देगा और आशा करता है कि गुरुत्वाकर्षण बल शिकार को मार देगा। अब तक रिकॉर्ड किए गए सर्वश्रेष्ठ ईगल शिकार वीडियो में से कोई भी अन्य शिकारी पक्षी इस तरह का शिकार नहीं कर सकता है। ये शिकार करने का एक सरल तरीका है, लेकिन ताकत और साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि चट्टानी पहाड़ इतना ऊंचा था कि बकरी पत्थरों से टकराती है और बहुत नीचे गिरती है और समाप्त हो जाती है। रैप्टर के लिए एक अच्छा भोजन बन रहा है। अपने विशालाकार और अविश्वसनीय सीखने की क्षमता के कारण ये शिकारी विभिन्न प्रकार के जानवरों के शिकार के लिए एक लोकप्रिय पक्षी बन गया है। आमतौर पर गोल्डन ईगल का उपयोग लोमड़ियों, खरगोशों, हिरणों और यहाँ तक कि भेड़ियों का शिकार करने के लिए किया जाता है। ये अद्भुत फुटेजे गोल्डन ईगल को भेड़िए का शिकार करते हुए दिखाता है। कल्पना करें कि ये रैप्टर कितना मजबूत है। जब भेड़िए को पकड़ते हैं तो भेड़िए छोटे शिकार नहीं होते हैं, वे बहुत आक्रामक होते हैं, खतरनाक होते हैं, ईगल को गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गोल्डन ईगल शिकार के सबसे सफल और व्यापक पक्षियों में से एक है। यह प्रजाति अधिकांश में पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया और लगभग पूरे उत्तरी गोलार्ध में 8 फीट तक के पंखों वाला गोल्डन ईगल 3 फीट की लंबाई तक पहुंच सकता है और दिन के दौरान इसका वजन 15 पाउंड हो सकता है। ये शिकारी जमीन पर या उसके पास शिकार को उड़ता हुआ पकड़ता है और स्पॉट करता है। उनका शिकार बहुत तेज नजर से होता है। ये बताया गया है कि ये राजसी पक्षी कभी कभी इंसानों पर हमला कर सकता है, लेकिन ये बेहद दुर्लभ है और इस भयानक क्लिप में गोल्डन ईगल को महिला पर आक्रामक रूप से हमला करते हुए दिखाया गया है, जिसे उसकी जांग में चोट लग गई है। गोल्डन ईगल, गंजा ईगल, हार्पी ईगल और अफ्रीकी ग्राउंड इंसानों पर हमला करने में सबसे आम है। चील के मनुष्यों पर हमला करने का मुख्य कारण यह है कि जब उन्हें खतरा महसूस होता है या वे उन मनुष्यों पर हमला करते हैं जो विशेष रूप से प्रजनन के मौसम के दौरान उनके क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं। बात सबसे प्रेरणादायक प्राणी है जिन्हें पक्षी साम्राज्य के राजा के रूप में भी जाना जाता है। वे निडर शिकारी हैं और हमेशा राजा बने रहेंगे। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।